हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं मोहम्मद शमी ने जो ली 5 विकेटे और गिल और सारा तेंदुलकर का लव ट्रायंगल, लव 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 एंगल और बेचारे कोहली की मिस्ड सेंचुरी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब करने ना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियो उन चैनल में भी आ रहे हैं। कितनी बेरहम से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए, वहाँ पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। वाह श्रीलंका वालों, वाह क्या परफॉर्मेंस दी है। श्रीलंका की अगर फर्स्ट बैटिंग आ जाए ना इंडिया के अगेंस्ट, तो जो लोग स्टेडियम में मैच देखने आए उनको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट खेलने आई थी या कंप्यूटर पर बाइनरी गेम 0-0, 1-0, 1? जितनी बॉल्स ये लोग ओडीआई क्रिकेट में खेल रहे हैं 10 बैट्समैन मिलके, पुज्जी भाई अपने नाश्ते में खा जाते हैं उतनी बॉल्स। श्रीलंका वालों का अपने आप में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है। एशिया कप में 50 रन मारे थे, इस बार 55 मार दिए, 5 रन से श्रीलंका जीत गया। खुद से ही श्रीलंका वालों को लगा अब हमारी टीम में वो बात नहीं है, तो इन्होंने शामी और सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में रख लिया। सूर्य कुमार वर्धने और शामी अट्टापट्टू से पूछ तो लेते उन्हें टीम में जाना भी है या नहीं तुम्हारी। कौन सा गली क्रिकेट चल रहा है भाई? भाई आज हमारे पास 9 ही प्लेयर्स है, 2 प्लेयर्स तुम्हारे दे दो ना। शामी भाई को शायद इसी बात पे गुस्सा आ गया और उन्होंने 2 ओवर्स में 2 बार श्रीलंका को आउट कर दिया। 5 विकेट लेने के बाद जो मस्त सी सेलिब्रेशन करी है ना, गिल भाई से इंटरव्यू में पूछा था मैच के बाद की ऐसी सेलिब्रेशन क्यों करी शामी भाई ने, उन्होंने बोला ये सेलिब्रेशन इंडियन कोच को डेडिकेटेड है जो कि टकले हैं। शामी भाई खुद हेयर ट्रांसप्लांट करा के दूसरों को गंजा गंजा चिढ़ा रहे और नॉटी ओ गंजे वो मीम रिक्रिएट कर दिया शामी भाई के लिए इंडियन टीम ने। ही इज अवर किंग। एक तो यार ये विराट भाई को जितना सेंचुरीज मारने का शौक है ना, उससे ज्यादा कुछ और ही मारने का शौक है। ये कैसा ऑब्सेशन है विराट भाई, जहाँ गिल दिखा टन टना टन 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 तारा, बेचारा गिल चीकू भैया के पास जाता है इस उम्मीद से कि चीकू भैया कुछ बैटिंग टिप्स देंगे। चीकू भैया वो कवर ड्राइव कैसे लगाते हैं? विराट भाई ये ले टन टन ये क्या चल रहा है? और यही सब देखा देखी ईशान किशन भी सीख गया। देखना यार गिल भाई थोड़ी दूरी बना के रखना इन लोगों से, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। इस पर एक फैन उर्फ साइंटिस्ट उर्फ फिलोसोफर ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बताई है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताती है कि विराट कभी भी गिल के टेस्टोस्टेरोन पे अटैक करने का मौका नहीं छोड़ते, वो इसलिए क्योंकि वो सचिन के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और शायद तोड़ भी दें, और गिल जिस तरह के फॉर्म में हैं वो अगले कोहली बन सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि गिल और सारा के बारे में, अगर इन दोनों के जीन से एक बच्चा पैदा हुआ तो वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। दैट्स व्हाई कोहली हमेशा गिल के टेस्टोस्टेरोन पे अटैक करने से नहीं चूकते। एक से एक जीनियस है भाई हमारी कंट्री में। एक तो हमारे फास्ट बॉलर्स ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि स्पिनर्स जब तक आते हैं बॉलिंग कराने तब तक पूरी प्लेट साफ हो चुकी होती है। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। जड्डू भाई ने 2-4 कदम का रन अप कह लिया, श्रीलंका पवेलियन जाके बैठ गई। ये बुमराह, शामी और सिराज ने तो हम स्पिनर्स को दर्शक बना के रख दिया है। जब तक बॉलिंग करने आते हैं सारे बैट्समैन खा चुके होते हैं। कल यूजी स्टेडियम से मैच देखने आया, जडेजा को बोलने लगा हा 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 तूने और मैंने सेम आवाज डाले। वैसे यार इस मैच में और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मिला है जिसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं, पर अभी चलते हैं हम लोग हमारे मीम्स मामा रिव्यू की तरफ। उससे पहले अगर तुम लोगों ने बाय चांस स्टेक पर रजिस्टर ना किया हो तो भाई देर मत करो, क्योंकि वर्ल्ड कप के असली मजे तो स्टेक पर ही आ रहे हैं। स्टेक वर्ल्ड की सबसे ट्रस्टेड स्पोर्ट्स वेबसाइट है, जहां पर तुम अपना क्रिकेट नॉलेज और अपना सही प्रेडिक्शन करके अच्छी खासी विनिंग्स कर सकते हो। 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है। डिपॉजिट विड्रॉवल सारी चीजें इंडियन मेथड से हो जाती है। और अगर तुमको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 200% जितना बड़ा बोनस चाहिए तो जो लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ उससे जाके रजिस्टर करो, अभी की अभी कर लो भाई। वर्ल्ड कप के मजे ले लो स्टेक के साथ। विराट कोहली आरसीबी, यार भाई कोई कितना भी बुरा क्यों ना खेले 50 रन तो बना ही लेता है। ये आरसीबी की स्ट्रेटजी है,
इतने कम रन बनाओ कि जब भी कोई टीम उसके करीब रहे लोग तुमको याद करें। अब आईपीएल तो यार साल में एक बार आता है, आरसीबी की रेलिवेंसी बनी रहती है पूरे साल। मैं तो तुम्हारी सेंचुरी रोक देता था, अब तो सेंचुरी पर सेंचुरी मार रहे हो बादशाह। हार्दिक भाई यार आप हमारी साइड हो या उनकी साइड हो? बी लाइक गिल, मूव ऑन। हाँ नर्वस 90 पर आउट होने का दुख था, पर फिर सोचा छोड़ो पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सिराज चलो सोफा भाई, काफी देर हो गई नंबर वन रैंकिंग पर, अब वापस मुझे दे दो। सोफा भाई, शाहीन सोफा अफरीदी, द परफॉर्मेंस यू नो, द रीजन यू ऑल्सो नो। ये चाहल भाई क्या पूरे टाइम कैंडी क्रश खेल रहे थे जब श्रेयस अय्यर बैटिंग पे आए? इसकी बैटिंग कौन देखेगा? तुम जो आए स्टेडियम में रन्स बन गए। श्रेयस अय्यर भाई ने 106 मीटर के छक्के मारे भाई। क्या श्रेयस भाई के इन दोनों के बीच में टारगेट कर रहे थे कि यही सिक्स मारूंगा? इंडिया हाइट पेस फैक्ट्री, रियल पेस फैक्ट्री, पाकिस्तान वाला देख रहे हो, रियल बॉलिंग, रियल रियल। श्रीलंकन बैट्समैन कमिंग आउट टू बैट, बुमराह, शामी, सिराज। भाई जड्डू भाई और कुलदीप भाई तो समझ चुके हैं जब तक प्लेट अपने तक आएगी खाली होती है। सिराज अगेंस्ट अदर टीम, सिराज अगेंस्ट श्रीलंका। जैसे ही सिराज भाई की ओडीआई रैंकिंग खतरे में आती है, श्रीलंका सामने आ जाती है। हम करते हैं कुछ प्रबंध, रोज उठो, बिरयानी खाओ, 4-5 विकेट लो, सो जाओ। चार मैच में 14 विकेट, शामी भाई पता नहीं इस वर्ल्ड कप क्या करके मानेंगे। हमारी नंबर वन रैंकिंग अब गिल और सिराज ले जाएंगे। कोई नहीं यार, बाबुर और शाहीन भाई अभी आप लोग को सेमीफाइनल फाइनल खेलना है, एक्स्ट्रा मैचेस मिलेंगे ना। कपल करवा चौथ पिक्स ऑन इंस्टाग्राम, ये सच में गिल और किशान भाई ना कपल जैसे रहते हैं। देखा अगर भाई इंजर्ड ना हुआ होता तो तुम्हें शामी शो देखने ही मिलता। हार्दिक भाई वी आर मिसिंग यू। सारा व्हेन गिल मिस्ड 100, सचिन व्हेन कोहली मिस्ड 100। भाई कहीं खुशी कहीं गम, किसिंग कुलदीप भाई बट ही हैज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। बहुत मार रहा है यार, अरे सैवेज कुलदीप भाई, सैवेज अपुन है ना। विराट कोहली 88 रन, बहुत बुरा हुआ ब्रो। सचिन पाजी आ गए भाई। बाबा प्लीज स्टॉप कॉपिंग अवर बाबू भैया। बाबा भाई एक साइड से तो गए पर दूसरी साइड से निकले नहीं। श्रीलंकन टीम राइट नाउ, ये तो फिर भी स्पीड कम है, श्रीलंकन टीम तो इससे भी तेजी से गई है। नाम बताइए, मोहम्मद सिराज श्रीलंका के कितने बैटर्स को आउट किए? बहुत बैटर्स, नाम बताइए। मोहम्मद सिराज, भूपेंद्र जोगी। कैमरामैन डिजर्व्स एन अवार्ड फॉर हिज बॉलीवुड स्टाइल स्टोरी टेलिंग। श्रेयस अय्यर ने सिक्स मारा तो धनश्री को दिखाया, विराट कोहली आउट हुए तो सचिन तेंदुलकर को दिखाया, गिल आउट हुए तो सारा तेंदुलकर को दिखाया। ये कैमरामैन किसी दिन कलेश करवाएगा घर में। एवरी टाइम एन इंडियन बैटर ट्राइज टू स्कोर सेंचुरी एट वन केड, मधुशंका रुको जरा सबर करो यार, ये मधुशंका ने हम लोगों की लंका लगा दी थी, सबके विकेट ले गया, साले ने किसी की सेंचुरी नहीं देखनी थी। बुमराह भाई आज सबको ऑल आउट करना बहन जो, किसी को मत छोड़ना, इन्होंने मेरी सेंचुरी रोकी है, हम लोग इसकी टीम की सेंचुरी नहीं होने देंगे। श्रेयस अय्यर परफॉर्मिंग ग्रेट, मीनवाइल चाहल टू धनश्री, ठीक है बड़े मजे आ रहे हैं, ठीक है बड़े मजे आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने सिक्स मारा, धनश्री को क्यों दिखा रहे हो? ये वही बात हो गई अवार्ड फंक्शन में जब अमिताभ बच्चन आते हैं ना तो रेखा जी पे कैमरा जाता है, ये साले सब हरामी है। रोहित शर्मा टू बॉलर्स, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो, रोहित भाई को इस बार सेमीफाइनल में जाने की बहुत जल्दी है। श्रीलंकन टीम टुडे यार, ये आरसीबी को सब सातों जन्मों तक याद रखेंगे क्या? ये स्कोर सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओहो पेस बैटरी भाई, इस बार हम लोग की बॉलिंग ज्यादा तगड़ी, बैटिंग से। केएल राहुल हेलो जी, सेम एनर्जी। केएल राहुल भाई के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की आत्मा आ गई थी 2-3 सेकंड्स के लिए। क्या रिव्यू लिया कोहली साहब? अगर कोहली भाई फील्ड पर हो और मीम टेम्पलेट ना दे तो कैसे चलेगा? बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना। मजेदार था, मजा वही है ना, जीत के बाद जो मजा है वो मजा, वो खुशी जो होती है वो ये सब वीडियोस देखो तो और बढ़ती है। और उसमें जो वो दिखाया था कि हमारी टीम जो है चाकू लेके खड़ी हुई है और वहां से पावर दिखा रहे श्रीलंका का प्लेयर आ रहा है, वो तो मैंने पहले नीचे तो देखा ही नहीं, मैं तो शक्ल देख रही थी, वो जैसे मैंने नीचे तो मेरे को चाकू नहीं, अच्छा था कि अच्छा उनको उनकी पूरी टीम को संजीना बनाने का, बहुत ही मजा वो, हाँ वो बहुत अच्छा था कि भैया ऐसा किया कि उनकी पूरी टीम ने मिलके सेंचुरी, तुमने हमारी हर प्लेयर की सेंचुरी इन्होंने रोकी है तो वही इतना हमें खुंदा काई गुस्सा आया, हमने कहा तुमने हमारे प्लेयर्स की, हम पूरे तुम्हारी टीम को ही नहीं करने देंगे, तुम्हारे 55 है, वो सबसे बेस्ट था, मजा आया। अब इनको पता चलेगा हमारे प्लेयर्स की जो है सेंचुरी रोकने का जरूरत मत करो, नहीं तो तुम्हारी टीम का ऐसी बेइज्जती होगी कि भैया बहुत ही मजेदार था, मजा ही आ गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।